देखिए ऐसा है कि जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सदस्यता अभियान है उसका दो पहलू, एक पहलू है कि सदस्यता अभियान जो हमारे सदस्य बने हैं और एक समय सीमा के अंदर जो बने हैं तो वो हमारा जो पार्टी का सांगठनिक चुनाव है उसमें हिस्सा लें। दूसरा पहलू ये होता है कि जो हमारा सदस्यता अभियान है ये हमेशा चलते रहे, मतलब हमारा 3 साल का कार्यकाल होता है हमारी पार्टी का जो भी मुझे पद होते हैं तो हमारा जो अभियान ये चल रहा है, तो अभी जो हमारा अभियान चल रहा है जितने हमारे सदस्य बन रहे हैं वो सब लोग इसमें जो हमारा भी चुनाव प्रारंभ होगा संगठन का, पंचायत का चुनाव होगा, वार्ड का चुनाव होगा, प्रखंड का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा, राष्ट्रीय का चुनाव होगा, तो उसके लिए हमारे जो सदस्य अभी जो बन रहे हैं और ये तभी चुनाव संभव हो पाता है जब आपकी जितनी भी इकाई है प्रारंभिक इकाई उसमें से कम 50% जगह लोग जो है बन चुके हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है हम लोगों ने पार्टी के लिए कि हर एक जगह जितनी संख्या चाहिए उससे ज़्यादा लोग बन चुके हैं। और एक बात और है कि हम लोग पहले भी एक अभियान चलाते सदस्य अभियान, लेकिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो सब लोग इसमें लगे हुए। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी हमारा सदस्यता अभियान है कहीं कोई फर्जी नहीं, इसलिए नहीं फर्जी हो सकता, अगर हमारा रसीद देते हैं तो हम लोगों ने उसमें खुद संख्या भी डाला है, वोटर आईडी नंबर भी डाला है, मोबाइल नंबर भी डाला है। तो पहले कई बार तो बहुत चालू लोग होते थे वो कहीं एक वोटर लिस्ट निकाला लोग बना देते थे, राम सिंह श्याम सिंह घनश्याम प्रसाद फलना, हमारे यहाँ भी सब संभव है। जो भी हमारे सदस्य बन रहे हैं सब सही सदस्य बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने कहा कि हमारा जो बूथ स्तर तक सदस्य बन रहे हैं और हमारा जो भी सांगठनिक चुनाव का जो हम लोगों ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है उसके अनुरूप काम चल रहा है। युवाओं की भूमिका हर पार्टी में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, युवाओं को टिकट से प्राथमिकता मिलेगी क्या? देखिए ऐसा है कि जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते, देखिए आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपके बैठे हुए हैं, भाई ये युवा प्रदेश अध्यक्ष बने उसके पहले ही ये हमारे बन गए MLA। तो हमारे यहाँ देखिए किसी प्रकार का और हम लोग पैमाना नहीं रखते हैं, जो हमारे साथी युवा हैं अगर सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब 2020 का हमारा जब चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में तो हम लोग जो युवा हैं उनको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता देंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।